ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है और आज जो है नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर ऐलान किया गया था कि संसद भवन के सामने ही पंचायत होगी और इसी के मद्देनजर सोनीपत के कुंडली सिंघू बॉर्डर पर भारी संख्या में हरियाणा पुलिस द्वारा जो है बैरिकेड लगाकर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। आप देख सकते हैं कि आने जाने वाले वाहन जो हरियाणा पंजाब की तरफ से जो वाहन आते हैं उन पर जो है बारीकी से जांच करने के बाद ही दिल्ली की तरफ बढ़ने दिया जा रहा है। खासतौर पर 4 कंपनियां जो हैं वो नियुक्त की गई हैं और करीबन 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, सबसे सबसे पहले पुलिस की जो है वो तैनाती की गई है। खासतौर पर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिला पुलिसकर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। मौके पर जो है अलग अलग अधिकारी और जो है पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि बात करें जिस प्रकार से अलर्ट जारी किया गया था दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर भारी संख्या में, पहले से एक तरफ जहाँ हरियाणा पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हुए थे, दूसरी तरफ जो है दिल्ली पुलिस द्वारा भी नाकाबंदी कर प्रत्येक वाहन को बारीकी से चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही दिल्ली जाने दिया जा रहा है। खास तौर पर बात करें तो हमारे साथ अधिकारी उनसे भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं। लगभग 4 मेल कंपनी है, 1 फीमेल फोर्स की कंपनी है, लगभग 500 आदमी है। सर बात करें किस प्रकार के निर्देश जो है मिले थे, आज किस बात को लेकर ये अलर्ट है? ये अलर्ट जो है ये आज हमारा नई संसद भवन का उद्घाटन है, उसके लिए है कि कोई किसी प्रकार का असामाजिक तत्व आना पड़े। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ राजब्रोज जी और राजब्रोज जी का सीधे तौर पर ये कहना है कि आज संसद भवन का जिस प्रकार से उद्घाटन होना है उस पर जो है असामाजिक तत्व ना पहुंचे, इसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा जगह जगह जो है इस प्रकार से नाके लगाए गए हैं। खासतौर पर जहां कुंडली बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस का बैरिकेड्स लगे हुए हैं तो वहीं दिल्ली पुलिस द्वारा भी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती के साथ साथ जो है प्रत्येक वाहन को चेकिंग करने के बाद ही दिल्ली में एंट्री दी जा रही है। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए राम सिंह।